अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सुमैरा और सुमैरा के हकायक के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। मुल्क हमसे क्या तकाजा कर रहा है? मफादात की जंग ने मुल्क को किस नहज पर लाके खड़ा किया है? क्या हमारी नजर मुल्क के वसाइल से हट चुकी है? क्या हम सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की लड़ाई लड़ रहे हैं? यही टॉपिक है आज की गुफ्तगू का। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुफ्तगू करने के लिए मुल्क के नामवर और कामयाब बिजनेसमैन और सियासी शऊर रखने वाली शख्सियत ज़ीशान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है गुफ्तगू और तज़िये करने के लिए नामवर सहाफ़ी आरिफ अहमद साहब। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इनके सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स ने कौम में, अवाम में खासी मकबूलियत हासिल की है। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं ज़ीशान शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि मुल्की इदारों को नुकसान पहुंच रहा है हमारे सियासतदानों के ज़ाती मफादात की जंग से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नज़दीक ये सब बेबुनियाद है, गलत है, कोई हकीकत नहीं है इसमें। मुल्क में ये जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं और जितने भी ये तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं, वो सब सियासतदानों और हकूमत के आला हिकमत अमली की वजह से ही पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। और इस सब में जो हमारे इदारे हैं वो बहुत एक अहम किरदार अदा करेंगे। ये समझ लीजिए कि वो ब्रिज का काम कर रहे हैं हुकूमत और सियासतदानों के दरमियान। आरिफ साहब, आपने इनकी बात सुनी, आप इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे? देखिए, ज़ीशान शाह साहब जो हैं एक कारोबारी आदमी हैं और सब जानते हैं कि हर हुकूमत में ही इन्होंने अपने बिजनेस को तरक्की दी है। किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी हुकूमत के साथ ताल्लुक रखना, उसकी तारीफ करना इनके मुफाद में है, क्योंकि इन्होंने हर हुकूमत से अपने लिए फायदा ही उठाया है। मेरे नज़दीक ये मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है और मैंने अपनी दिन रात की लगन, मेहनत, मशक्क़त, अपनी ही कोशिशों से अपने आप को इस मकाम तक पहुँचाया है। और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई करप्शन शामिल नहीं है। अगर कोई है तो मेरा ये दावा है, आप लाइए सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सियासतदानों ने, स्पेशली वो सियासतदान जो कारोबार कर रहे हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हकूमतों को ज़रे मुबादला कमा कर दिया है, चाहे किसी भी जमात की हुकूमत हो। नाइंसाफ़ी और बेईमानी से ये मेरा ईमान है कि आप कभी भी इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते जिस मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पहुंचाया है। मैं शाह साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनके हर पार्टी से, हर मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुकात नहीं रह चुके क्या? महंगी महंगी ज़मीनों को सस्ते रेट्स पे ख़रीद के उन्होंने क्या अपने बिजनेसेस को मज़ीद तरक्की नहीं दी क्या? ज़ीशान साहब, करोड़ों लोग इस वक्त आपको इस टॉक शो में देख रहे हैं, आप पे इल्जामात लगा रहे हैं आरिफ साहब, क्या ये दुरुस्त है और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि मेरे भाई ने अभी नया नया सहाफत में कदम रखा है, अभी ये सियासत और सहाफत इन दोनों के दाव पेचों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है और ना ही उनकी नज़ाकतों को बखूबी जानते हैं। इनको तो मेरे ख्याल में यह भी मालूम नहीं है कि कौन सी बात किस वक्त कहनी चाहिए, कैसे कहनी चाहिए, कहनी चाहिए भी या नहीं कहनी चाहिए। जुनूनी शख्स हैं, जवानी का जोश है। मेरे ख्याल में इस तरह का जो जुनून होता है, नए नए जोशीले जुनूनी सहाफ़ियों में, वो अक्सर जो हमारी मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो इस्तेमाल करती है। तो मेरे भाई भी किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी सियासी पार्टी के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हूँ।